ये सहारनपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। सहारनपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये पहले हरोड़ा नाम की विधानसभा सीट थी, जिसे सबसे पहले मायावती जो थी मुख्यमंत्री बनी तो इसी विधानसभा सीट से बनी। यहाँ पे दलितों की जो संख्या है वो बहुतायत है, यानी अधिक संख्या में यहाँ दलित रहते हैं। और आज हम उसी सहारनपुर देहात सीट में आए हैं दलितों से ही जानने कि आगामी विधानसभा चुनाव में दलित किन मुद्दों पर चुनाव करने जा रहे हैं और योगी के 4.5 सालों में उन्हें क्या क्या मुनाफा मिला। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वर्तमान समय की अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर जो हैं वो यहां से जीते हुए हैं। तो सीधे आपको यहां के दलित बस्ती में दलितों से बातचीत करवाते हैं, यहां की जनता की राय दिखाते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसे मतदान करेगी। और एक से सबसे बड़ा बात है कि यहां पे जो एक दलितों के लिए रावण यानी चंद्रशेखर आज जो रावण है उनका भी वोट बैंक काफ़ी कहा जाता है, तो इस बार विकल्प में कौन होगा सीधे जनता से आपको रूबरू करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? ललित कटारिया। ललित कटारिया, ये पूरे दलितों की बस्ती है? दलित और मुस्लिम हमारे ये सब भाई यहाँ पर रहते हैं। अच्छा। और प्रेम से सब लोग रहते हैं। आप? अच्छा, यहाँ दलित और मुस्लिम ज्यादा? जी जी। अच्छा, तो यहीं से सबसे पहले मायावती जीती थी? जी जी, मायावती जी यहीं से जीती थी। अच्छा, तो उस समय ये सहारनपुर नहीं? ये सहारनपुर नहीं था, ये सहारनपुर हरोड़ा के नाम से बोला जाता था, विधानसभा हरोड़ा के नाम से थी। अब ये सहारनपुर देहात के नाम से ये विधानसभा है। तो इस बार चुनाव होने वाला है 2022 में, तो हम बेसिकली जानने आए हैं कि जो दलित हैं वो इस बार किधर जा रहे हैं? यहाँ पर ज़्यादातर दलित जो है आपकी विधानसभा का जो चुनाव लग रहा है 2022 का, सबसे ज़्यादा पहले भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और अब भी भारतीय जनता पार्टी को ये लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि अधिक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ यहाँ पर दिया है, अधिक आवाज़ दिए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें आपका शौचालय नहीं है और आपका गैस सिलेंडर नहीं है, उज्ज्वला योजना से आपके बिजली के कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है। अच्छा, और जो विधायक है यहाँ से कांग्रेस के, वो क्या दिए हैं, कभी आते जाते हैं कि नहीं? मसूद अख्तर साहब तो हमने यहाँ पर देखे नहीं है। अच्छा, आज तक आए नहीं है जब से वो जीत के गए हैं। मायावती का क्या हालचाल है? मायावती का तो हालचाल आपके सामने है भाई साहब, 2022 का चुनाव है, 2017 में आपने देखा था, उससे पहले देखा था, वही हाल पहले था वही अब है। अच्छा, मुख्यमंत्री बना दिए और इसमें हाल खराब कर दिए? जी, बस यही स्थिति है। अच्छा, आपका क्या नाम है? बड़ा मुस्कुरा। मेरा नाम सुखबीर है जी। इसको मैं पकड़ रहा हूँ, आप बोलिए। मेरे यहाँ से जो है ना, मेरा ये चौक है जी यहाँ से। हाँ। मैं सुखबीर बोला जी, मेरा ये नाला है जी यहाँ से। अच्छा। इस नाले के जो है ना, मतलब यहाँ से बहुत समस्या हो रही है, मैंने बहुत वो एप्लाइन भी रखी मैंने। हाँ। मेरे कोई समस्या का हल नहीं हो रहा यहाँ से। अच्छा। मैंने यहाँ से कचहरी में बहुत देर रखा है यहाँ से। हाँ। मेरा कोई मतलब मसला हल नहीं हो रहा यहाँ। बताइए, विधायक जी आते हैं कभी? विधायक जी मेरे से कोई मिलता नहीं जी। नहीं मिलते? ना जी, कोई मिलता कभी नहीं है। मसूद मिलता, मैं कोर्ट में जाता हूँ, वहाँ से कुछ नहीं होता वहाँ से। मैंने देर कहा वहाँ से एप्लीकेशन मेरी। बताइए, वोट किसको दिए थे? दी थी जी, क्या नाम से, मोदी को दी थी मैंने। अखिले मतलब योगी को? मोदी को। मोदी का नहीं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। 17 योगी को देखी मैंने। अच्छा जी। हाँ तो, मेरा कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो इस बार जब चुनाव आ रहा है तो किसको वोट देंगे? तो मैं तो उसे योगी को दूंगा जी। मतलब योगी को देंगे? क्यों? मेरा काम कर रखा जी उन्होंने। अच्छा। हाँ तो मेरा काम मतलब मेरा हल नहीं हो रहा यहाँ से। मेरी जो नाला चल रहा मेरे घर के सामने चल रहा, मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा। कोई भी आता है यहाँ से, कोई कुछ नहीं हो रहा यहाँ। तो मायावती कहती हैं दलितों के लिए हम काम करते हैं, मायावती को नहीं देंगे क्या? नहीं, मायावती को जब देंगे, जब मर से मतलब कोई बात होगी हमारी तब देंगे उसे। उससे पहले हम कुछ नहीं देने के यहाँ। अच्छा, चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? हाँ जी, जाना है उससे हम देने का कुछ भी। क्यों? ना कोई मेरा काम नहीं हो रहा। कहते दलितों के नेता हैं हम, हमारा कोई काम नहीं हो रहा उससे। ये बताइए, कैसा काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बीजेपी सरकार का हर वर्ग हर समाज को लाभ मिल रहा है योजनाओं का, और जितनी भी योजना है शायद समाज के अंदर कोई आदमी ऐसा होगा कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। मायावती यहाँ से जीत के मुख्यमंत्री बनी दलितों के वोट से, और इस बार दलित मायावती को ही वोट नहीं दे रहे? उस टाइम पे जब बनी थी वो समय दूसरा था। हाँ। आज जो समय है, आज योगी जी का समय है। हाँ। आज विकास के नाम पे वोट है। हाँ। आज किसी जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं है। हाँ। आज जो है विकास के नाम पे वोट है। हाँ। जो योगी जी ने और मोदी जी ने विकास किया है। हाँ। लोग सब उसी चीज़ को देख रहे हैं और उसी के नाम पे वोट कर रहे हैं। अच्छा। मायावती को क्यों नहीं देंगे? मायावती को, मायावती ने अपने समाज को लुभाया था कि मैं एक आपकी मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो मुख्यमंत्री बनी उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए लोग नाराज हैं। और जो बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के
सब कुछ दिया। तो जब मुख्यमंत्री मायावती थी तो क्या कुछ विकास उकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ था यहाँ तो, हरोड़ा से वो जीती थी खुद, बस जीती थी, लेकिन कोई आज तक किसी पूरे विधानसभा में एक पत्थर मायावती के नाम का नहीं मिलेगा आपको, एक भी पत्थर। तो मायावती अगर नहीं पसंद आ रही है तो रावण को वोट क्यों दे? रावण को वोट जो हमारा भला करेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा। देखिए बीजेपी सरकार ने फ्री अनाज बंटवा रखा है, फ्री कनेक्शन बिजली के, गैस के सिलेंडर फ्री मिलने हैं, मकान इस मकानों के अंदर 160 मकान लोगों को फ्री दिए हैं, 2.5 लाख, 10 रुपये नहीं देता कोई, किसी के द्वारा मांगने जाओ वो बिना गारंटी के, बिना किसी चीज़ के 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, और बनाओ मकान बनाओ और अपना रहो। तो गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है कि घर मकान मेरा हो जाए, तो इससे बड़ा और ज़्यादा क्या हो सकता है? तो इस बार जातिगत वाला फैक्टर नहीं चलेगा? नहीं, सिर्फ विकास, विकास के नाम पे वोट है, जाति धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं है। अच्छा, विकास के नाम पे। इस बार जो दलित हैं वो मायावती को नहीं देंगे? मायावती को वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट देगा। नहीं देंगे? पक्का? पक्का। आपका क्या नाम है? विपुल पंवार। विपुल पंवार। विपुल पंवार, तो आप तो मायावती को देंगे? नहीं, कैसे मायावती को कैसे देंगे? अच्छा, मायावती ने तो कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जिससे हम उन्हें वोट दें। अच्छा। ना रावण को दे सकते ना मायावती को दे सकते, हम सिर्फ, हमारा गांव भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के अनेक यहाँ बहुत लाभकारी जो योजनाएं हैं, बहुत लाभकारी योजनाएं हैं, जैसा कि अभी बताया भाइयों ने, बहुत योजना ऐसी हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा यहाँ भेजी गई है, और डायरेक्ट जैसे कि ऊपर से चल करके एक रुपया ऊपर से भेजा जाता था और 25 पैसे यहाँ तक आते थे, और अब एक रुपया पूरा ऊपर से चल कर नीचे हमारे साइड में एक रुपया आ रहा है, तो बहुत अच्छी योजना है भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसी से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और भी लोग इस बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? मीर हसन। मीर हसन। मीर हसन, कौन अच्छा लगता है, कौन नेता? नेता फिलहाल तो जी हमारे वहाँ ही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ। और योगी? योगी तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा। हाँ, योगी जो उत्तरांचल में है। नहीं, नहीं, योगी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा, वे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो मायावती के बारे में क्या ख्याल है? मायावती, मायावती के बारे में क्या ख्याल होगा? उन्होंने पहले नहीं कुछ करा, ये भाग क्या ख्याल करेगी वो हमारा। और अखिलेश यादव? वो सही है आदमी। सही है ना? हाँ। लेकिन वोट किसको देंगे? बज्जू, वो तो अगर जीत पड़ेंगे और जीत देखी जाएगी, जिसकी किस्मत का होगा से मिल जाएगा। तो साइकिल पे ही देंगे इस बार? इरादा तो साइकिल पे ही दे देगा। इरादा साइकिल पे ही है? हाँ जी। तो उम्मीद है साइकिल की सरकार बनेगी? उम्मीद पक्की है। उम्मीद पक्की है? हाँ जी। कैसे उम्मीद लगाए हैं, कुछ काम वाम किया है? काम क्या करे, हमारे पास काम कुछ नहीं है। अच्छा, होता ही कुछ नहीं है भैया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, ना हमारा मकान बना। अच्छा। ना हम लैट्रिन वो दी, ना कोई। अच्छा। ना कोई हमारे पास, क्या कह सकते सभी? सब कह रहे हैं कि आपके 3 मकान बने हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? कौन कह रहा? 3 कह रहा, ये कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बैठे हैं 3 मकान, ये बैठे, ये बैठे, इनके इनके लड़के का मकान बन चुका, उसकी दूसरी किस्त आ गई, इनकी एक किस्त आ गई, इनके लड़के की दूसरी किस्त आ गई, प्रधानमंत्री योजना से इन्हें सब लाभ मिल रहा है, इनके घर में गैस सिलेंडर भी है प्रधानमंत्री का, इनके घर में हर चीज है, कि अगर नहीं यकीन आता तो इनके घर जाके देख लें आप लोग, नींव भरी पड़ी है वहाँ पर, किस्त भी आने इनके घर में है कुछ। हाँ, सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है इनको, और दोनों गांव में एससी समाज और मोमदन समाज को 80% लाभ इन लोगों को मिल रहा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और ये लोग अब कह रहे हैं लाभ नहीं मिला, आप जाके घर पे सर्वे करो इनके, आपको पता लग जाएगा, प्लेट लगी हुई है बाकायदा इनके घर पे, जो आवास योजना मिल रही है, शौचालय मिल रहे हैं, गैस योजना मिल रही है इन लोगों को, इतना योजना मिल रही है फिर भी उन्हें 80% इन लोगों को लाभ मिल रहा है, इतना योजना मिल रही है फिर भी उन्हें साइकिल के केएल पे बैठना पसंद है। वो उनकी भावना है, लेकिन 80% योजना मिल लेने के बाद इनके 80% इन लोगों को योजना मिली है योगी सरकार में, तो ये तो इनको देखना है कहाँ इनको लाभ मिल रहा है। ये बहुत, आप पहले नाम बताइए। नाम दीजिए, मेरा दिलशाद है। दिलशाद, दिलशाद बोलने
पे सब हंसने का है लगे ये? सब हंस रहे हैं जी, हंसेंगे मेरी मजाक उठाओगे। चलिए ठीक है, ये बताइए सरकार कौन अच्छी लगती है? मुझे ये सरकार अच्छी लगी, भाजपा। हाँ जी, मुझे अच्छी लगी। दबाव में तो नहीं बोल रहे? तोबा दबा गया, हमने पीछे भी वोट नहीं दी, अब भी से देंगे। तो साइकिल से कहे नाराज? मैं साइकिल का क्या मतलब, हमारे पास साइकिल चल रही है बुढ़ापे में। है भाई, साइकिल चल रहेगा हमारे बुढ़ापे है जी, हम तो मोटरसाइकिल दे रखी अपना, मोटरसाइकिल फिर मोटरसाइकिल मिल गई तो कमल पे ही वो तो है, वही देगी, वही पालतू जानदार है, और कोई देगी पालतू जानदार है। कैसे जानदार है, क्या काम हुआ? सारी पालतू जानदार है, लोगों के मकान बनवा दी, हर चीज की सुविधा दे रही है जी, हर चीज की सुविधा दे रही। बदमाश योजना खत्म करवा दी सारे, और क्या, और इससे बढ़िया क्या बात है? राशन फ्री दे रही, राशन फ्री दे रही पब्लिक को। बदमाश खत्म हो गए और क्या, सारे बदमाश खत्म कर दिए, लोग बाग खोल कर सो रहे है जी। तो मायावती के बारे में क्या कह रहे हैं? हमने कहा मायावती से क्या मतलब बेचारी से, हमें वो मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, बस हमारे लिए तो ये सरकार अच्छी। और जो आपके विधायक हैं इमरान जी, इमरान शरान का मैं क्या मतलब होगा, मैं घमंड दे रहा हूँ कुछ नहीं। मसूद अख्तर ना, नहीं हमें मसूद अख्तर की हमने सिकल भी देख के आई लगे बेचारे, वो कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ का है वो? अरे नहीं सही बता तो फोन पर। नहीं नहीं सही बता रहा मुझे बात, देखा तूने बता कहा मुझे आई तो। हम इधर देखिए इधर कैमरे पे। तो ये बताइए कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो गुंडागर्दी ज्यादा होती थी? ज्यादा गुंडागर्दी यही थी और क्या था, क्या कैसे होता था? रोज लड़ाई दंगा, आज वहाँ लूट हो रही, आज वहाँ लूट हो रही है भाई। इब्जा काम नहीं है बिल्कुल भी, बदमाशी तो खत्म होगी है जी। तो इस बार फिर से चुनाव होने वाला है, अभी सही देंगे इंशाल्लाह। किसको? बीजेपी को ही। ओबेसी को जानते हैं? ओबेसी को ना जी, हम नहीं जानते ओबेसी को, हमें क्या मतलब ओबेसी से है जी। अब वो ओबेसी यहाँ से, अब अगर बेचारा हमें क्या मतलब उससे, हम तो जो पार्टी हमारी काम कर रही वो अच्छी बस। आप बड़ा मुस्कुरा रहे। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है? भरता जी, भरता। क्या करते हैं? मजदूरी करूँ जी। मजदूरी कर जी। आपको मायावती पसंद है? ना जी, नहीं पसंद है। ना जी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को वोट देते? हाँ जी, वोट सही मिलेगा। क्यों? बढ़िया काम कर रही है जी। क्या बढ़िया? बहुत बढ़िया कर रही है जी, मकान दुकान सब बना कर दे रही है। अच्छा जी, दुकान भी बना दी? हाँ जी, पूरी। अच्छा, पूरा अंबा खरा जी, बिल्कुल। काम बढ़िया जी, काम बढ़िया जी। और सपा? सपा बढ़िया जी, मतलब वोट उसे देंगे जी। हम पूछ रहे हैं अखिलेश यादव? ना जी ना। कहे? ना जी, कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। ना जी, तो साइकिल के गद्दी पे नहीं बैठे? ना जी ना, भारतीय जनता पार्टी जी, बस भारतीय जनता। बस जी बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बस बस नहीं बोलेंगे? बस जी बस। क्या नाम है? अयूब भाई। अच्छा बताओ, मेरी सुनो, इसको पकड़िएगा। अरे मतलब मैं पकड़ा, मेरी बात सुनो। बसपा सरकार जो कुछ है, हमारी राजनीति है, किस भाई ने ऐसे कैसे वोट दी? समझ नहीं पा रहा हूँ। मायावती है मुख्यमंत्री है? मायावती मुख्यमंत्री नहीं है, योगी मुख्यमंत्री। हाँ, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी जी है, आदित्यनाथ योगी। किसने वोट दी उसे? किसको? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। बात सुनो पहले। बसपा सरकार ऐसी है, नोट बंद कर दिया। बसपा सरकार नोट बंद कर दिया? नहीं, भाजपा सरकार, केंद्रीय सरकार जैसे भाजपा पार्टी बोलते आप बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। हाँ जी। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं जी। क्या माहौल है? सहारनपुर दरगाह पर मोहल्ला गाँव पिंजुरा। अरे माहौल क्या है, किसको? चलो, मायावती पसंद है क्या? बिल्कुल सरकार। मायावती पसंद? बिल्कुल। या समाजवादी? हाँ। या बसपा सरकार? आप मुझे बताओ, इन्हें किसके लिए क्या काम करा? 10 साल में कौन सी नौकरी निकाली इन्हें, वो बताओ मुझे। बसपा सरकार नौकरी नहीं निकाली है? नहीं नहीं नहीं, इन्हें भाजपा सरकार के अंदर जो कहते हो आप, बसपा सरकार है, क्या नाम, बीजेपी सरकार है केंद्र। पहले आप क्लियर हो जाओ कि बसपा सरकार है कि भाजपा सरकार। बीजेपी सरकार की किसकी नौकरी निकाली? 10 कार्य में किसकी नौकरी निकाली? इन्हें निकाल ली किसी की नौकरी? निकाल ली ने ना।
और या। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? किसी ने छोटन बड़ा ताव में आए जी। क्या जवाब देना चाहेंगे? कहेंगे हाँ जी जवाब, सब यहाँ काम बहुत हो रहे हैं। काम बढ़िया हो रहा है जी, फुल काम हो रहे हैं। तो ये तो मायावती जी को पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल जी, अपनी अपनी पसंद है। आपको कौन पसंद है? योगी जी। योगी जी जी काहे, ये तो करे नौकरी नहीं निकाली। योगी जी इसलिए पसंद है, आप देख लो। योगी जी इसलिए पसंद है, अखिलेश सरकार में गाँव जड़ाए गए, शहर जड़ाए गए, अब 4.5 साल से सुकून में है। अच्छा। सब अपनी मेहनत मजदूरी आराम से कर रहे हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, ना किसी गुंडे का पता कहाँ है। अच्छा। ये फायदे हैं। गुंडा भाग गए? मेरी बात सुनो आप, पहले बताए गुंडा भाग गए? मेरी बात सुनो आप, बीजेपी सरकार भाजपा जनता पार्टी कहते बीजेपी सरकार पार्टी बोलते हैं। पहले मेरे बात ये है जी, मान लो गरीब आदमी रात को कहीं जा, काम पसा रहा है, कोई खतरा नहीं है। रुको भाई सुनने दो इनकी बात। मजदूर आदमी मजदूरी कर गए घर पे आ रहा, अपने पहले लूट जाते पैसे, मजदूरी के ही लूट लेते। इतने छोटे गुंडे भी थे जो पैसे मजदूरी के लूट लेते। अब किसी भी टाइम अपनी मजदूरी लेके घर पे आओ, कोई गुंडा नहीं मिलता कहीं भी। अब नहीं मिलता कोई गुंडा नहीं मिलता कहीं भी। अब अगर गुंडा मिलता है तो प्रशासन सुनती है? प्रशासन सुनती है, प्रशासन बढ़िया काम कर रही है इस चीज में। तो इस बार चुनाव आने वाला है तो वही हम पूछ रहे थे कि किसको वोट देंगे? योगी जी को। तो कह रहे हैं कि दलित ज्यादातर जो है सब मायावती को देंगे? हम मुस्लिम हैं। योगी जी को देंगे।